कंप्यूटर के टॉप 30 एमसीक्यू करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया है ना। तो 30 यहाँ पर देखेंगे जो आपके हॉस्टल वार्ड आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इसका आंसर ए होगा, डेजी व्हील प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं लाइन प्रिंटर से, ठीक है। मैंने सोचा कि क्लासेस लाने से पहले जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको कुछ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन पेपर है एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। या फिर देखिए मैं लाइव क्लास ले सकता था, लेकिन आज कुछ टाइम इशू की वजह से मैं आपको क्लास नहीं ले पा रहा था, तो मैंने सोचा यह क्लास वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सामने पेश कर देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने क्या कहा था कि इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं, तो किस में कर सकते हैं, लाइन प्रिंटर में। तो सभी का आंसर मैं नहीं बताऊँगा, है ना, आप लोग भी कुछ आंसर देने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जूम कर रहा हूँ मैं, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो प्लॉटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है पीएनजी को सूचित करता है, तो पीएनजी किसको सूचित करता है, तो इमेज फाइल को, ठीक है। तो पीएनजी जो है इमेज फाइल को, पीएनजी हो गया, आईएमजी हो गया, वो आपका इमेज फाइल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है एक वीडियो किसके सीक्वेंस से बना होता है, जो सीक्वेंस का मतलब होता है तारतम्य, वो आपका फ्रेम आएगा, क्या आएगा, फ्रेम। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट है, वीडियो कॉम्प्रेस के लिए खाली स्थान का उपयोग कर सकते हैं, तो ये एमपीजी का प्रयोग कर सकते हैं, एमपीजी, ठीक है। चलिए फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, लेकिन पहले जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में वह क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, कौन सा है, तो होम। जैसे देखिए कर्सर है उसको टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में, अब जैसे हम कुछ फंक्शन कर रहे हैं अगर उनको शुरुआत में हम ले जाएंगे तो कौन से किंजी का उपयोग करते हैं, तो आपका होम आएगा। कंट्रोल प्लस बी का उपयोग कर्सर के क्लिप बोर्ड कंटेंट हेटू करते हैं, कर्सर पर भी देखो यानी कि पेस्ट, अगर कंट्रोल प्लस सी देखो तो कट यानी कि कॉपी वाला, ठीक है, पेस्ट कट कॉपी ऐसे अंडू यू ये आएगा, अंडू आ जाएगा। चलिए देखते हैं किस मेन्यू में आप स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसे सुविधाएं पा सकते हैं, तो इसका आंसर बी होगा, फॉर्मेट मेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं है तो देखिए आपका आ जाएगा स्कैनर जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। तो क्लासेस मैं डेली लेकर आऊँगा जिसमें एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, तो एक दो दिन के बाद हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर का, ठीक है, जिसमें लाइव क्लास भी लिया जाएगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो चलिए देखते हैं सीपीयू का पूर्ण रूप होता क्या है। यहाँ पर देखिएगा सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखेंगे कंप्यूटर का एएलयू यूनिट हो सकता है, तो उपरोक्त सभी जोड़ और घटाव कर सकते हैं, सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकते हैं, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर शुरू करते समय क्या वायरस एग्जीक्यूट होता है, तो बूट सेक्टर वायरस। कंप्यूटर में एलसीडी मॉनिटर का कार्य होता है, एलसीडी का मतलब होता है फ्लैट, आंसर ए। नेक्स्ट है खाली स्थान एक्सिक्यूटेबल और बूट सेक्टर दोनों प्रभावित करता है, तो आपका हो जाएगा मल्टीपर्टाइटिस वायरस, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी अधिकतम होती है, तो ब्लू रे डिस्क का, डीवीडी का जो सिंगल लेयर में होता है 4.7 GB, अगर सिंगल में डबल में पूछा जाएगा तो 8.5 GB, अगर डीवीडी आरडब्ल्यू का पूछा है ना, और ब्लू रे डिस्क का हाई रहता है और डीवीडी आरएम रहता है, सीडी का आपका रहेगा 700 MB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किसको छोड़कर बाकी सभी रिमूवल मीडिया में आते हैं, तो हार्ड डिस्क को छोड़ेंगे बाकी सभी रिमोट में आते हैं, डीवीडी है, डिस्क है, सीडीआर है, ठीक है,
सीडी और डीवीडी किस प्रकार के यंत्र हैं? तो आपका स्टोरेज होगा, जो सीडी है ना वो कंपैक्ट डिस्क, और डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क जो होते हैं ना आपका स्टोरेज वाला होता है, ठीक है। अब देखेंगे निम्न में से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्न में से कौन सा TCP/IP मतलब होता है ट्रांसमिट एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो FTP आ जाएगा, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखेंगे निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है? तो डायरेक्ट आप मेस लगाएंगे, सभी है, ये सभी टोपोलॉजी है, लेकिन मेस का जो है भरोसा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका है इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए यूनिक पोर्ट स्ट्रिंग को कहा जाता है IP एड्रेस। वेब सर्च इंजन के द्वारा बहुत से वेब पेज को सूचित यानी कि सूचना एकत्रित करते हैं वेब क्राउलर। याहू, इंफोसिस और लिनक्स क्या होता है? सर्च इंजन। डेट टाइम और सिस्टम कॉन्फ्रेंसिंग स्टोर में नॉन वेलेबल वोलाटाइल चिप कहलाता है CMOS। और देखेंगे DOS का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमने क्वेश्चन किए हैं।